दोस्तों, क्या आपको पता है कि आप कॉपी पेस्ट काम करके दूसरों का कंटेंट कॉपी करके किस तरह से अपनी फेसबुक प्रोफाइल के जरिए अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने मेहनत भी नहीं करनी, आपने दूसरों का कंटेंट कॉपी करना है, कॉपी भी इस तरह करना है कि आपको कभी भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। जो मैं तरीकाकार बताने वाला हूँ, आप इवन टी सीरीज़ की वीडियोज़ भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे जो मैं वे बताने वाला हूँ उसके ऊपर आपने अमल करना है और वीडियो को अच्छी तरह से टेल दी एंड देखना है ताकि आपको पता चले कि किस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और कॉपीराइट स्ट्राइक से भी बच सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फ्री में कॉपी पेस्ट काम करके इजीली अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं, चाहे वो यूट्यूब हो चाहे वो फेसबुक हो, दोनों के ऊपर आप इजीली अर्निंग कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपने काम क्या करना है, यहाँ पे यूट्यूब के अंदर आपने आ जाना है और यहाँ पे लिखना है टॉम जेरी कार्टून्स हैं आपको पता ही है और ग्रीन स्क्रीन, यहाँ पे आपने लिखना है। ये वाले कार्टून्स आपके सामने आ जाएंगे और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ कि ऑफिशियल यहाँ पे चैनल नज़र नहीं आ रहा होगा। यहाँ पे देखें और यहाँ पे देखें, ये तमाम लोग इसी बेस के ऊपर काम करके अच्छी खासी अर्निंग भी कमा रहे हैं और इसी से रिलेटेड बहुत सारे लोग वीडियोज़ भी बना रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपके पास टॉम जेरी कार्टून्स आ गए ग्रीन स्क्रीन के हवाले से और यहाँ पे आपने फ़िल्टर के अंदर आना है। फिल्टर के अंदर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन ऑप्शन आपको मिलता है, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये वाले कार्टून्स मिल जाते हैं और इन ग्रीन स्क्रीन और प्लस कार्टून्स को इस्तेमाल करते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगी और उसके साथ साथ आप अच्छी खासी अर्निंग भी कमा सकते हैं। यहाँ पे देखिए, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कार्टून्स बनाए हुए हैं और इसी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे और आप भी इस तरह की वीडियोज़ बना के अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने इन किसी भी वीडियो को जो भी आपको पसंद आती है आपने क्या करना है, यहाँ पे थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे शेयर के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आके आपने इसको जो इसका लिंक है इसको आपने कर लेना है कॉपी। तो यहाँ पे आपका कॉपी हो गया लिंक और उसके बाद यहाँ पे आप एक वेबसाइट के अंदर आ जाएंगे और ये वेबसाइट है सेव फ्रॉम नेट। ये वीडियोज़ को डाउनलोड करना सिखाती है लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट भी आ सकती है कि आप यूट्यूब से वीडियोज़ को डाउनलोड करना सिखा रहे हैं, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि आप यूट्यूब से डाउनलोड करें। लेकिन यहाँ पे बता दूँ कि आप किसी लिंक को पेस्ट करेंगे तो आप इससे वीडियोज़ को डाउनलोड कर सकेंगे। सेफ फ्रॉम नेट पे ऊपर आपने लिंक को कॉपी किया, पेस्ट करके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं वीडियो एडिटर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे वो वाली फाइल्स जो है ना डाउनलोड हो चुकी हैं। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे एक सर्च कर लेना है ऐप जिसका नाम है इमेज सर्च मैन, ये वाला एप्लीकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपने क्या करना है वो मिल जाएंगे, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे देखें आपको मुख्तलिफ कार्टून्स इमेजेस मिलेंगे, आप उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप उसके ऊपर ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ये याद रहे कि आपने वो वाले इमेज यहाँ पे डाउनलोड करने हैं जो कि वाटरमार्क उनके ऊपर ना हो और आपको उसके वाटर कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं है। तो यहाँ पे आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर लेना है, वो वाला इमेज यहाँ पे ड्रॉप करेंगे वीडियो एडिटर के अंदर। यहाँ पे ये जो इमेज है ये ऐड हो चुका है, यहाँ पे मैं इसको इसका ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक करके इसका ड्यूरेशन बढ़ा दिया, तो आप अपनी मर्ज़ी का ड्यूरेशन रख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे कोई वीडियो जो वही जो ग्रीन स्क्रीन वाली थी वही मैंने यहाँ पे पीआईपी फंक्शन के ऊपर क्लिक करके उसको इंपोर्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे वीडियो के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे वो वाली वीडियो ऐड कर ली। यहाँ पे जहाँ पर सब्सक्राइब का ऑप्शन आता है यहाँ से मैं इसको कट कर लेता हूँ, यहाँ पे इस जगह के ऊपर मैं कट लगा देता हूँ और ये वाला जो मटेरियल है या जो साइड है इसको मैं कर देता हूँ डिलीट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद इसको कर दिया डिलीट। उसके बाद मैंने इस वाली जो पीआईपी फंक्शन है या हमारी जो वीडियो है इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया और इसको वीडियो के स्टार्ट में रख दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसी के ऊपर क्लिक करना है, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे क्रोमा की के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे इसको ड्रैग करके ग्रीन कलर के ऊपर रख के ये आपने सेट कर लेना है। स्ट्रेंथ कहाँ पर ये जो ग्रीन स्क्रीन है हमारी फुल की फुल हट जाएगी तो यहाँ पे आपने उसको सेट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा चलाएं अपनी, इसकी मैं ऑडियो कर देता हूँ म्यूट ताकि रेजिस्टेंस डेवलप ना हो। तो यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सिलेक्ट और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसकी जो वॉइस है इसको ख़त्म कर दिया
उसके बाद यहाँ पे मैंने कर दिया क्लिक, और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं चला के दिखाता हूँ, ये वाली वीडियो हमारी उसी बैकग्राउंड में लग रही है कि आप उसी बैकग्राउंड में ही, ये एक ऑथेंटिक लग रही है हमारी ये जो है ना, आप वीडियो देख सकते हैं। आप इजीली इसी के अंदर ऑडियो भी सेट करते हैं तो कर सकते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप इन टॉम जेरी कार्टून्स को क्रिएट करके अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं, और वो कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं आएगी। और उसके साथ साथ इसके ऊपर ऑडियो अवेलेबल है, लेकिन क्योंकि मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा है इसलिए मैं ऑडियो नहीं चला रहा। तो आपने सिंपल जब ये कंप्लीट हो जाए आपने इसको कर देना है सेव, और सेव करने के बाद यहाँ पर आप इसकी रेजोल्यूशन जो भी रखना चाहें आप 4K में रखेंगे। अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है तो 4K में बेस्ट क्वालिटी मिल जाती है आपको, और आपकी उस वीडियो के ऊपर अच्छी खासी ट्रैफिक आने के चांसेस हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस्टिमेटेड फाइल साइज़। और यहाँ पे एक और चीज़ भी बता दूं कि आप इनके जो ये साइजेज़ हैं या इसको वीडियो का जो कंप्रेशन है वो भी ईजीली कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखा था पांडा वीडियो कंप्रेसर के नाम से। यहाँ पे आप देखें 100 MB की फ़ाइल को आप 10 से 15 MB की फ़ाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसी तरीके से कर सकते हैं, मैंने भी खुद की हैं। और यहाँ पे मेरी 320 MB की फ़ाइल 14 MB में हुई, और थोड़ा सा पिक्सल का मसला हुआ, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपेयरिंग करूँ को तो जो है ना 320 MB और 14 MB का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आप आराम से वीडियो को अपलोड करते रहें, फिर आराम से आपका एक तो यहाँ पे ये भी है कि आपकी जितनी वीडियो लंबी होगी MB ज़्यादा खर्च होगी, और उसी की बेस के ऊपर आपके जो नेट है वो भी स्लो चले, यानी कि आपकी वीडियो स्ट्रीमिंग अच्छी नहीं आएगी और आपका जो व्यूअर है वो उससे इरीटेट होकर आपकी वीडियो को क्लोज़ कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप टॉम जेरी कार्टून्स क्रिएट करके अच्छी खासी अर्निंग कमा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें। मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।